डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट फाइलम फाइलम एनेलिडा की बात करने जा रहे हैं। एनेलिडा फाइलम, सबसे पहले हम ये चीज़ सीखते हैं कि इसे एनेलिडा क्यों बोला गया है। जैसे हमने बोला कि प्लैटीहेलमिंथिस का मतलब है फ्लैट वर्म्स, एस्केलमिंथिस का मतलब है राउंड वर्म्स, बिकॉज दे हैव यू कैन से द सर्कुलर, देयर बॉडी इज सर्कुलर इन आउटलाइन। Now what about this annelida? इसे annelida क्यों कहा गया है? Annelida basically, अगर लैटिन वर्ड में हम देखें तो annulus, annulus का मतलब क्या होता है? Annulus का मतलब होता है little ring। तो इनकी बॉडी में basically क्या होते हैं? Metamers होते हैं, segments होते हैं, और inner segmentation correspond to the outer segmentation। मतलब बॉडी जैसे बाहर से सेगमेंटेड होती है, वैसे ही अंदर से भी सेगमेंटेड होती है। यू कैन से द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एनेलिड्स। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये है, ये देखिए, इसमें इस तरह के, ये देखिए, ये सेगमेंट्स है, ये देखिए। तो ये जो सेगमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर से दिख रहे हैं, ये सेगमेंटेशन अंदर से भी ऐसी होगी। इसके बॉडी के अंदर भी आपको सेगमेंट्स अंदर की तरफ भी ऐसे ही नजर आएंगे, और इस वजह से इन इन सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मेटामर्स, और सेगमेंट्स भी आप बोल सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं आपकी रिंग्स 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 जुड़ करके एक बॉडी बना देते हैं। और अगर आपको डाउट हो या समझ ना आए, तो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है अर्थ बॉम, जिसे केंचुआ कहते हैं। आप देखते हैं कि केंचुए की बॉडी जो है वो रिंग्स की बनी होती है, आपको नजर आएंगे इसी तरह से, और उसकी बॉडी में रिंग्स की बनी होती है। तो इसलिए जो एनेलिड्स होते हैं, देयर बॉडी इज मेटामेरिकली, यू कैन से इट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मीन्स द बॉडी इज कंपोज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स, दैट्स वाई दे आर नॉन एज एनेलिड्स और फाइलम एनेलिडा। तो देखिए, जब भी हम किसी फाइलम की बात कर रहे हैं, तो हम कोई ना कोई यूनिक करेक्टरिस्टिक उसका बता रहे हैं, और उसके बेसिस पे वो पूरे का पूरा फाइलम बेस्ड होता है। तो इसका जो मैंने आपको यूनिक करेक्टरिस्टिक बताया कि देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इन टू सेगमेंट्स और मेटामर्स, हैंस द नेम एनेलिडा। एनेलिडा मीन्स That is, it has been derived from Latin word annulus, and annulus means little ring. Now coming to their habitat, तो अब इनके habitat की हम बात करते हैं कि किस तरह का इनका habitat होता है और कहाँ पर ये रहते हैं। और habitat आप सबको पता है कि habitat का मतलब है living place। तो habitat की अगर हम बात करें, तो ये terrestrial भी हो सकते हैं। terrestrial का मतलब क्या हुआ कि ये जमीन पर रह सकते हैं, on land। दूसरा, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब है पानी में, तो ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, और ये मरीन भी हो सकते हैं, तो ये सी वाटर में भी रह सकते हैं। तो एक्वेटिक भी इनका हैबिटेट हो सकता है, और इसका मतलब है कि समटाइम्स दे मे बी पैरासाइट और समटाइम दे मे बी पैरासिटिक। इन में से कुछ जो है पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो ये बात रही हैबिटेट की। हैबिटेट का मतलब है लिविंग प्लेस, और अगर इनके हम लिविंग प्लेस की बात करें, तो आइदर इट इज टेरेस्ट्रियल, दैट इज ऑन लैंड, और दे मे लिव इन वाटर, दैट इज दे मे लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर, एंड समटाइम्स दे मे बी पैरासिटिक। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट that the level of their body organization is organ system। अब आप देखते हैं, पिछले फाइलम में जब हमने बात की, तो वहाँ पर जो level of organization था वो organ system है। तो यहाँ पर भी जो body organization का level है वो कैसा है, वो है हमारे पास organ system का। अब आपको पता है कि हम चले हैं सेलुलर लेवल से, जैसे स्पॉन्जिस के केस में, फिर हम टिश्यू लेवल में पहुँचे, फिर हम ऑर्गन लेवल में पहुँचे, अब हम
ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑर्गेन सिस्टम, इसका मतलब कि जो बॉडी है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गेन सिस्टम्स। तो जैसे हम सिस्टम की बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेन सिस्टम। अब ऑर्गेन सिस्टम के अलावा अगर हम इन्हीं की बात करें तो आपको होता है कि नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो सिमेट्री होता है, और सिमेट्री इनमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ज़्यादातर आपके पास जो फाइलम आएंगे उनमें सिमेट्री होगी बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू अगर उनको काटे सेंट्रल एक्सिस के थ्रू तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएंगे, वो दो बराबर हिस्सों में बंट जाएंगे। तो दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए अब फिर से वही कंडीशंस आ रही है बार बार। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ कि उनकी बॉडी में तीन जर्म लेयर्स होती है। तो अगर जर्म लेयर्स की हम बात करें तो कौन सी कंडीशन है, जर्मिनल लेयर या जर्म लेयर्स के केस में कौन सी कंडीशन है, थ्री जर्म लेयर्स होती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक। और ट्रिप्लो ब्लास्टिक में कौन सी तीन लेयर्स होती है ये भी आप सभी जानते हैं, एक एक्टोडर्म होती है और एक हमारे पास कौन सी होती है, एंडोडर्म होती है, और इनके बीच में एक कौन सी होती है, मीजोडर्म होती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक। इसके बाद द बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एनेलिड्स की इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब बॉडी ये किस्म की रिंग्स की बनी होती है, सेगमेंट्स की बनी होती है, और ये यूनिक करेक्टरिस्टिक है फाइलम एनेलिडा का। एंड दीज आर सिलोमेट्स। नो व्हाट डू यू मीन बाय सिलोमेट्स, दैट इज दे पोजेस ट्रू सिलोम। और आपको पता है कि जो सिलोमेट्स होते हैं या जिनमें सिलोम होता है, दिस सिलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, मतलब अगर सिलोम दोनों तरफ से मीजोडर्मिक, जैसे अगर मान लीजिए हम देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्टोडर्म है, ये मान लीजिए एंडोडर्म है, और सपोज करो ये बीच में हमारे पास क्या है, ये मीजोडर्म है, और आगे जा कर के मीजोडर्म स्प्लिट कर जाए तो देखिए इसके बीच में जो जगह आएगी ये, इसको हम सिलोम बोल रहे हैं, इसके यहाँ भी मीजोडर्मिस है और यहाँ भी मीजोडर्मिस है, तो इस तरह के सिलोम को बोलते हैं ट्रू सिलोम, एंड दीज एनलीट्स आर सिलोमेट्स, मीन दे पोजेस ट्रू सिलोम्स। और मैंने आपको बताया कि बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स की बनी होती है, और मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि एक दिन मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि व्हाट इज मेटामरिज्म। तो पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेटामरिज्म होती है वो एनेलिडा में होती है, मतलब बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और इनर सेगमेंटेशन कॉरस्पॉन्ड टू द आउटर, और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरस्पॉन्ड टू द इंटरनल सेगमेंटेशन, मतलब वेल मार्क्ड होती है। अब अगर इनमें हम एक और चीज़ देखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अर्थ बॉम का एक वीडियो दिखाऊँ जिसमें उसकी मूवमेंट, उसकी लोकोमोशन को दिखाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इनमें दो सेट होते हैं मसल्स के, दे हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, लोकोमोशन दिखाते हैं, मीन दिस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स दे हेल्प इन लोकोमोशन। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हेल्प करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये छोटे हो जाएंगे, और छोटे हो जाएंगे तो बॉडी मोटी हो जाएगी, और जब ये सर्कुलर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी पतली होगी और लंबी हो जाएगी, और इस तरह से ये चलते हैं। तो इनको चलने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है, और वो कौन से मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज सर्कुलर मसल फाइबर्स। तो और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। अब जैसे मैं आपको एक एक्वेटिक फॉर्म की बात बताने जा रहा हूँ, और वो एक्वेटिक फॉर्म है नीरिस।
नीरिस, जैसे आपको यहाँ आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं कि नीरिस किस तरह का होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि नीरिस जो है ये एक क्या है, ये एक्वेटिक है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, मतलब नीरिस पोजेस लेटरल अपेंडेजेस। जैसा आप इस पिक्चर में क्लियर देख रहे हैं, एनसीईआरटी की पिक्चर है, कि जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसकी बॉडी सेगमेंट्स की बनी होगी और इनके सेगमेंट्स के साथ ही क्या होंगे, ऐसे बाहर को इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। ये देखिए, ये देखिए, हर सेगमेंट पे एक, ये देखिए, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है दीज आर लेटरल अपेंडेजेस। और ये जो लेटरल इस साइड को भी होंगे, तो ये लेटरल अपेंडेजेस क्या करते हैं, इन लेटरल अपेंडेजेस को बोला जाता है पैरापोडिया। इन्हें क्या कहते हैं, पैरापोडिया। और यहां पे जो ये पैरापोडिया होते हैं, दे हेल्प इन स्विमिंग, तो ये स्विमिंग में मदद करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोकोमोशन में करते हैं। ये भी लोकोमोशन में करते हैं, पर कौन सी लोकोमोशन होती है, स्विमिंग में ये हेल्प करते हैं। और ये एक एक एक्वेटिक एनेलिड है। और स्क्रीन में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि नीरिस किस तरह का होता है, और आप इसको देखेंगे कि अर्थ बॉम से कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्योंकि इसमें पैरापोडिया साइड में साफ नजर आ रहे हैं, जबकि अर्थ बॉम में ऐसा नहीं होता। अब अगर हम बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कैसा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये होगा क्लोज्ड। अब फिर से याद कीजिए, हम पहले टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक चीज़ आपको बताई, जब हम बेसिक टर्म्स कर रहे थे, कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स में करता है, आर्टरीज में करेगा, वेन्स में करेगा और कैपिलरीज में करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड है। अब हमने बात की फाइलम ब्लडी एलमिंथिस में, कि वहाँ पे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो फ्लेम सेल्स हैं। और हमने बात की फाइलम एस्केलमेंथिस में, कि वहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी बात में अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो मदद करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में, उन्हें कहते हैं नेफ्रिडिया। देखिए पहली बार, जैसे हमारे बॉडी में किडनी होते हैं वो मदद करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में, और अगर हम फाइलम एनेलिडा की बात करें, एनेलिड्स की बात करें, तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन और जो एक्सक्रीशन है वो नेफ्रिडिया के द्वारा होगी। और अगर सिंगुलर हम इसको देखें तो नेफ्रिडियम हम कहेंगे। तो नेफ्रिडिया आर द ऑस्मो रेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ फाइलम एनेलिडा। अब हम बात करते हैं कि न्यूरल सिस्टम, जिसे नर्वस सिस्टम भी आप कहते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो न्यूरल सिस्टम होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, और यू कैन से इट इज कंसिस्टेड ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया। मतलब गैंग्लिया होंगे वो कैसे होंगे, वो पेयर्ड होंगे, एंड दे विल बी कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू फॉर्म डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी वो कैसी होगी, डबल होगी, और कैसी होगी, वेंट्रल साइड पे होगी, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे होगी, कैसे पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो गैंग्लिया, देखिए ये देखिए, अब यहाँ से नीचे को हमारे पास डबल बन गई, इट इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये देखिए फिर हमारे पास मान लीजिए पेयर्ड गैंग्लिया, तो गैंग्लिया जो होंगे वो पेयर्ड होंगे, और जो नर्व कॉर्ड होगी वो वेंट्रल साइड में होगी, और वो भी कैसी होगी, डबल होगी। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो
तो जो नीरिस होता है, नीरिस मैंने आपको बताया कि वो कैसा है, वो एक्वेटिक फॉर्म है। तो नीरिस जो होता है, अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, सबसे पहले हम ऐसे बात करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम बात करें तो यहाँ पे कंडीशन दोनों होती है, डायोसियस और मोनोसियस। डायोसियस किस में होती है? नीरिस में होती है। डायोसियस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या गैमेट्स होते हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं। और अगर हम लीच की बात करें या हम अर्थवॉर्म की बात करें, तो वहाँ पे जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं या गैमेट्स हैं, वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होते हैं, मतलब बाई सेक्सुअल कंडीशंस होती है, जिसे कहते हैं मोनोसियस। और रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेल लीच है या फीमेल लीच है, भाई ये मेल अर्थवॉर्म है या फीमेल है, लेकिन जब डायोसियस कंडीशन होगी यूनिसेक्सुअल, तो या तो मेल होगा या फीमेल होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में भी अगर हम बात करें तो अभी से हम कर रहे हैं और एग्जाम्पल भी इतने सारे हमने डिस्कस कर दिए, तो सबसे पहले हम उसी एग्जाम्पल से चलते हैं। सबसे पहले तो नीरिस, नीरिस आपको होता है एक्वेटिक फॉर्म है और इसमें डायोसियस कंडीशंस होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं फेरेटीमा, PHERETIMA, देखिए नाम है फेरेटीमा और कॉमन नाम इसका अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म को फेरेटीमा कहा जाता है। क्लियर। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल हिरुडिनेरिया, HIRUDINARIA, हिरुडिनेरिया। ये जो हिरुडिनेरिया होती है, ये ब्लड सकिंग लीच होती है, ब्लड सकिंग लीच। तो इस तरह से एन नीरिस, पी से फेरेटीमा मतलब अर्थवॉर्म, और एस से हिरुडिनेरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीच। तो ये बात थी फाइलम एनेलिडा की। एनेलिडा के बाद हम नेक्स्ट फाइलम करेंगे अर्थ्रोपोडा। उससे पहले मैं एक हल्का सा रिवीजन देना चाहूँगा कि एनेलिड्स की बॉडी जो होती है वो रिंग्स की बनी होती है, जिन्हें मेटामर्स या सेगमेंट्स कहते हैं। और अगर इनके हैबिटेट की हम बात करें तो ये टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। जब ये एक्वेटिक होते हैं तो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मरीन में भी हो सकते हैं, एंड समटाइम दे मे बी पैरासिटिक। दे हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिमेट्री इन केस ऑफ फाइलम एनेलिडा इज बाइलेटरल। दे हैव थ्री जर्म लेयर्स, इट मीन्स इन द कंडीशन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड द बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड दे आर सिलोमेट्स, दैट इज दे पोजेस ट्रू सिलोम। दे हैव सर्कुलर मसल फाइबर एज वेल एज लॉन्ग इंगुलर मसल फाइबर, एंड बोथ ऑफ दीज मसल दे हेल्प इन लोको मोशन। ऑन द अदर हैंड नीरिस द एक्वेटिक फॉर्म दैट पोजेस लेटरल अपेंडिजेस, एंड दीज लेटरल अपेंडिजेस आर कॉल्ड एज पैरापोडिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें पैरापोडिया होते हैं विच हेल्प इन स्विमिंग। एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, दैट इज द ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल, दैट मे बी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। एंड द एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स आर, और एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज नेफ्रेडिया। एंड न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, एंड यू कैन सी दे हैव डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल इन केस ऑफ नीरिस, द कंडीशन इज डायोसियस, दैट इज मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। एंड इन केस ऑफ अर्थवॉर्म एंड लीच द कंडीशन इज मोनोसियस, मीन्स बाई सेक्सुअल। तो इस तरह से हमने बात की फाइलम एनेलिडा की। अब देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये आपको फेरेटीमा दिखाया जा रहा है। फेरेटीमा का मतलब है कि अर्थवॉर्म दिखाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी में, आप एक चीज़ ध्यान से नोट करें, एक बैंड है जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। अब इसके बाद आप एक और देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसे क्या कहा जाता है,
हिरुडिनेरिया। और हिरुडिनेरिया बेसिकली क्या है, लीच है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो दोनों एंड है, एक में बहुत बड़ा सकर आपको एक तरफ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जो है छोटा जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये लीच है। तो इस तरह से तीन एग्जाम्पल हमने इसमें डिस्कस किए, नीरिस फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया। नीरिस एक्वेटिक फॉर्म है, फेरेटिमा और फेरेटिमा को अर्थमाउम कहते हैं और हिरुडिनेरिया को क्या कहते हैं, लीच कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज बात की फाइलम एनेलिडा की। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइलम आर्थ्रोपोडा की, विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।